हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करूंगा पद्मावती मूवी के बारे में और साथ ही बात करूंगा कि सीबीएफसी की तरफ से क्या हुआ जो पद्मावती की रिलीज डेट पोस्टपोन हो गई। पद्मावती मूवी पे प्रोटेस्ट तो जरूर चल रहा था, वो तो एक बड़ा इशू था ही था, लेकिन इसके अलावा सीबीएफसी ने भी यहाँ पे अपना रोल पूरी तरह से नहीं निभाया, यानी कि जो सेंसर बोर्ड है जो फिल्म को सर्टिफिकेट देता है उसने भी अपना रोल पूरी तरह से निभाया नहीं है, ऐसी खबरें आ रही है। खबरें ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जो भी चीज मैं आपको बताऊंगा वो चीज आपको बहुत ही शॉक करेगी। कोई भी जिसे फिल्म को सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए एक रूल बना है सेंसर बोर्ड के हिसाब, सेंसर बोर्ड में वो रूल ये है कि आपको अपनी फिल्म 68 डेज पहले देनी पड़ेगी, यानी कि 2 महीने पहले आपको अपनी कंप्लीट फिल्म सेंसर बोर्ड को देनी पड़ेगी अगर आपको उस पर सर्टिफिकेट चाहिए तो। और ये ऑफिशियल रूल है, बहुत पहले से बना हुआ है, ठीक है, लेकिन ये रूल कभी फॉलो नहीं किया गया, इंक्लूडिंग प्रहलाद जिलानी का जो कार्यकाल था सीबीएफसी का, सेंसर बोर्ड का, उसमें भी ये रूल अपनाया नहीं गया था। और जैसे ही पद्मावती की रिलीज की बात आई, आपको पता है उसका सर्टिफिकेट नहीं दिया गया और ये हमें सब सुनने में आया कि कुछ इनकम्प्लीट था, आई थिंक जो प्रपोजल भेजा गया था पद्मावती को रिलीज को लेकर वो सही नहीं था या प्रॉपर जस्टिफिकेशन नहीं दिए गए थे फिल्म की रिलीज को लेकर, आई थिंक इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया, ये खबरें आई थी। लेकिन अब ये खबरें आ रही कि जो रूल था जो इम्प्लीमेंट नहीं होता था 68 डेज पहले फिल्म देने का सीबीएफसी में, वो इम्प्लीमेंट किया गया थोड़ा पहले, यानी पद्मावती के पहले। और जैसे ही पद्मावती फिल्म का रिलीज डेट पोस्टपोन हो गया, वैसे उस रूल को वापस हटा लिया गया। जी हाँ, रूल जो था वापस हट गया है 68 डेज का। अब ये सुनने में आ रहा है वो रूल इसलिए हटाया 68 डेज का ताकि जो ऑलरेडी फिल्म रिलीज डेट ऑलरेडी तय हो गई, जैसे कि फिरंगी हो गई, उसे भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तेरा इंतजार हो गई, फुकरे हो गई, या फिर टाइगर जिंदा है हो गई, ये सब अपने तय समय पर रिलीज हो, इनको ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन मैं अगर यहाँ पे ये सोच रहा हूँ या यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि नुकसान ना हो, मतलब क्या नुकसान तो ऑफकोर्स हो रहा है ना। वो अगर हम पद्मावती की बात करें तो पद्मावती भी 180 190 करोड़ के बजट की फिल्म है, आपने एक फिल्म की तो हालत खराब कर दी। आपको अगर रूल इतना ही सही लग रहा था, हर एक फिल्मों के लिए वो रूल अपनाओ ना, बॉलीवुड इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है आप ये देख रहे हो इन 4-5 फिल्मों का, तो 190 करोड़ के बजट की भी तो फिल्म बन रही थी, उसको भी तो डिले हो गया, तो उसको भी तो नुकसान हो रहा है, उसको भी तो नुकसान हो रहा है, एट द एंड नुकसान ही हो रहा है। आपको अगर नुकसान का इतना ही चिंता था तो आप हर एक फिल्म की रिलीज डेट को उसी तरह रहने देते और ये रूल को ऑफिशियली कहते सभी को कि ठीक है, हमने ये रूल अब अपना लिया है, अभी से जो भी आने वाले 1-2 महीने के बाद जो भी फिल्में होगी वो अभी से हमें फिल्म देना चालू कर दे, वरना आपकी फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। अचानक इस तरह का रूल लाना, उसके बाद 68 डेज पहले फिल्म देना, आपको रूल लाया नहीं गया, रूल पहले से था लेकिन इंप्लीमेंट करो उसके बाद वापस इस रूल को हटाना, कहां तक सही है कहां तक गलत है, ये बड़ा सवाल है। और कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर में भी ये चीजें करनी पड़ी। और जहां तक ये मुझसे लोग पूछे कि पद्मावती फिल्म कब रिलीज होगी, तो आपको बता दूं पद्मावती फिल्म के लिए एक ऐसी डेट ढूंढी जा रही जो क्लैश वाली ना हो और आई थिंक जून और फेब में वो डेट जरूर होगी और ये फिल्म इस साल बिल्कुल नहीं रिलीज हो रही, जहां तक अभी तक की जो जिस तरह से भी खबरें, अगले साल जनवरी या फरवरी में इसे टाल दिया जाएगा। ये खबर के बारे में आपकी क्या राय है और क्या लगता है सेंसर बोर्ड को, ये जो उनका दोगला व्यवहार है सेंसर बोर्ड का, वो किस तरह से आपको कैसा लगा? क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं सही लग रहा है, क्योंकि ये तो यार पूरी की पूरी 1.5-2 साल की किसी की मेहनत है, उस पूरी मेहनत पे बोलते ना आप पानी फेर दे रहे हो, पूरी बर्बाद कर रहे हो। एक रंगोली बनाया 1-2 घंटे में, उस रंगोली को जब बिखेर देता है कोई बच्चा 1 सेकेंड में, तो ये वैसे वाला फील आ रहा है। तो ये चीज है, अब देखते हैं किस तरह से लोग क्या कहते हैं और ये फिल्म रिलीज होगी तो कब होगी, इसका ये अनिश्चित है। बट जो भी हुआ इस फिल्म के साथ, कतई ऐसा आने वाले टाइम में ना हो, अदरवाइज बॉलीवुड बचेगा नहीं, डूब जाएगा जिस हिसाब से ऐसी चीजें हो रही है। मतलब हर तरह से प्रेशर दोगे आप किसी एक फिल्म मेकर को, क्या होगा उसका। और आज ही एक खबर आई थी, अशोक कुमार, लेट अशोक कुमार ने सुसाइड कर लिया क्योंकि फाइनेंशियल उनसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मांगा था। तो ये सब खबरें ऐसे होता है, जब आप हर तरह से किसी को प्रेशर दोगे तो ये सब चीजें हो जाती है लाइफ में। तो आई होप सभी ये समझे कि एक फिल्म से कितने लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है, क्या क्या जुड़ा हुआ है, और लोगों का 1.5-2 साल का पूरा मेहनत है, पैसा है, और वो बर्बाद ना होने पाए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना ही, बाय बाय।